हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चॉकलेट केक की बहुत ही चॉकलेटी और टेस्टी रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 1/2 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब इसमें डालूँगा मैं 1/2 कप दही, यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है। अब इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा। तो सभी को मैंने अच्छी तरह कर दिया है मिक्स। अब इसके ऊपर रखूंगा मैं एक छलनी, इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। अब इसमें डालूंगा मैं 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी को हम अच्छी तरह छान लेंगे। तो सभी को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब इसको हम एकदम हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर है वो गाढ़ा है, इसलिए अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1/2 कप दूध। इसको हम फिर से अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो हमारा बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए अब इसमें लगभग 1/4 कप दूध हम इसमें और डालेंगे और फिर से हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे अच्छे हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। तो बैटर को हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। तो केक को बेक करने के लिए केक टिन हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 इंच का राउंड शेप का केक टिन लिया है। इसको हम रिफाइंड ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब इसमें लगा दूंगा मैं बेकिंग पेपर। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पेपर की जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस बेकिंग पेपर को भी मैं अच्छे से ग्रीस कर दूंगा। तो इसको भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। हमारा केक टिन है वो रेडी हो चुका है। अब जो बैटर हमने बनाया था उसको हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लगभग 4-5 सेकंड के लिए। और इस बैटर को हमें ट्रांसफ़र कर देना है केक टिन में। तो सारा का सारा बैटर हमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है केक टिन में। इसको हम 3 से 4 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब केक को मैं बेक करूंगा 180 डिग्री पर लगभग 30 मिनट के लिए। तो टाइम को मैं 30 मिनट के लिए सेट कर देता हूं। तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक वो बेक होकर तैयार हो चुका है। तो केक को मैं टूथपिक से चेक कर लूंगा कि अंदर से वो बेक है या नहीं। तो हमारी टूथपिक है वो एकदम क्लीन आ रही है, यानी हमारा केक अंदर से अच्छी तरह बेक हो चुका है। केक टिन को हमें बाहर निकाल लेना है। तो हमारा केक वो बेक होकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम कवर कर देंगे किसी कपड़े से और इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है, हमारा केक है वो ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर एक चक्कू की सहायता से हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे और इस केक को हम पलट देंगे किसी प्लेट में। अब इसका जो बेकिंग पेपर हमने लगाया था उसे भी हम हटा देंगे। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से बेकिंग पेपर हट चुका है। तो हमारा केक है बहुत ही अच्छा बेक होकर तैयार हुआ है, एकदम स्पंजी। तो केक को हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। तो हम बना लेंगे हमारा चॉकलेट गनास। तो चॉकलेट गनास बनाने के लिए मैंने डबल बॉयलर में डाल दिया है लगभग 300 ग्राम चॉकलेट। यहाँ पे मैंने चॉकलेट कंपाउंड लिया है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट कंपाउंड। तो चॉकलेट कंपाउंड को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट कंपाउंड जो है हमारा मेल्ट हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 1/4 कप मिल्क यानी दूध। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो सभी को मैंने अच्छी तरह कर दिया है मिक्स। हमारा चॉकलेट घना से वो बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको मैं अच्छे से कर लेना है मिक्स एक बार। इसको मैंने नीचे उतार लिया, इसको हम हल्का सा ठंडा कर देंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ठंड का मौसम है इसलिए ऑटोमेटिकली चॉकलेट जम जाएगी। अगर आप गर्मी में बना रहे तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मेरी आप देख सकते हैं मेरी चॉकलेट जम चुकी है। अब बीटर की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह बीट कर लूँगा ताकि इसका टेक्सचर वो एकदम क्रीमी हो जाए। तो बस इसको मैं लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए लगातार बीट करते जाना है। तो आप देख सकते हैं लगभग 6 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से बीट किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है। इसकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको हमें हटा लेना है। तो इसको मैं स्पैचुला से इकट्ठा कर दूंगा। तो हमारी चॉकलेट है थोड़ी सी हार्ड है इसलिए अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 4 टेबल स्पून के करीब व्हीपिंग क्रीम, यानी क्रीम को मैंने व्हीप कर लिया और इसमें लगभग 4 टेबल स्पून व्हीपिंग क्रीम डाल दी है। अब इसको हम फिर से अच्छे से व्हीप कर लेंगे ताकि हमारा जो चॉकलेट का टेक्सचर है वो हार्ड ना रहे, एकदम स्मूथ ही रहे। तो आप देख लेते हैं हमारा चॉकलेट का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया, अभी चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं जमेगी, एकदम चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग है वो एकदम बनकर तैयार हो चुकी है, केक पर लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए एक बाउल में मैंने लिया है लगभग 4 टेबल स्पून ठंडा पानी, इसमें डाली है मैंने 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। इसको भर लिया मैंने अच्छे से मिक्स। हमारा शुगर सिरप अब रेडी है। अब केक को मैंने रख दिया है केक बोर्ड पर। केक हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, इसको मैंने लगभग 2 से 3 घंटे के लिए कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था। अब इसकी जो ऊपर की हार्ड लेयर है या फिर ऊपर की एक्स्ट्रा लेयर है इसको हम काट कर हटा देंगे। तो केक के ऊपर की लेयर को हमने हटा दिया है। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना जालीदार बना है। तब इस केक को मैं डिवाइड कर लूँगा 2 पार्ट्स में। आप चाहें तो इसके 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो केक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हमारी फर्स्ट लेयर और नीचे वाली सेकेंड लेयर है। तो ये वाली लेयर हम बाद में यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली लेयर यूज़ करनी है ऊपर वाली। तो केक बोर्ड पर मैंने रख दी एक लेयर, इस पर लगा देंगे हम शुगर सिरप। तो केक लेयर पर हमने शुगर सिरप लगा दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमने बनाकर तैयार की थी। तो यहाँ पर मैं एक पतली लेयर बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट घनास है इस पर डाल दिया है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग उस पर डाल दिया केक लेयर पर। इसको हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब इस पर रख दूंगा मैं केक की दूसरी लेयर, जो ऊपर वाली लेयर थी जो एकदम स्मूथ थी। अब इस पर भी लगा देंगे हम शुगर सिरप। अब इसके ऊपर डालूंगा मैं ढेर सारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, क्योंकि हमें इसे चारों तरफ से कवर करना है। इस केक को मैं किनारों से भी कवर कर दूंगा। और इस केक को हम कवर कर देंगे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से चारों तरफ से। जहाँ पर चॉकलेट नहीं लगी है वहाँ पर इसे चॉकलेट लगा देना, उसे हमें कवर कर देना अच्छे से। इसको हम कर लेंगे अच्छे से स्मूथ। तो चॉकलेट को हमने कर लिया स्मूथ। अब यहाँ पे मैंने स्पैचुला को कर लिया है हल्का सा गरम ताकि हमारी जो चॉकलेट का फ्रॉस्टिंग है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए चारों तरफ से। बस थोड़ा थोड़ा करके हमें स्पैचुला को गरम करते जाना है और इसको हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है। अब इसको हम स्पैचुला को रखेंगे बीच में और हम इसे बना देंगे गोल गोल डिज़ाइन। तो आप केक के ऊपर अपने मन के अनुसार कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मुझे केक को घुमाते जाना है और स्पैचुला को इसी तरह लगाते जाना है ताकि पूरे केक के ऊपर इसकी अच्छी डिज़ाइन बन जाए। तो केक पर हमने बना दिया डिज़ाइन और केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है किसी प्लेट पर, क्योंकि बोर्ड पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट लगी हुई थी। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने स्टार नोजल के साथ भर लिया है थोड़ी सी व्हीपिंग क्रीम। तो इस पर हम इस तरह डिज़ाइन बना देंगे।
तो पूरे केक पर मैंने इसी तरह डिज़ाइन बना दी है। अब इस पर रख दूंगा मैं एक एक चॉकलेट बॉल। तो ये मार्केट में आपको चॉकलेट लड्डू के नाम से आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।